आप मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने लो, रहने लो, बहुत बुरे लग रहे हो, तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। रुको जरा, पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। लेकिन नहीं, तुम्हारे गांव में चनूने काट रहे हैं। तो गाइस क्या हाल चाल, आजकल ऐसा हो गया है ना, पंखे की पंखड़ी खोलने के बाद लोग अपने आप को टेक्निकल गुरुजी समझने लगते हैं। इन्हें लगता है यूट्यूब पे आके ये ब्रा पैंटी भी पहनना सिखाए तो वो भी टेक्निकल बात है। तो आज हम बात करेंगे एक अच्छे एक्टर, टैगर, व्लॉगर, टिकटॉकर की। अबे सिंगर भी बोल, टैलेंट की कमी नहीं मनोज दादा में। क्या अच्छा सिंगर भी है, चला हो ख्वाब जो देखे हम दोनों ने मिलके, धीरे धीरे क्यों दफनाने लगे हो। ओ बंटी भोसड़ी के क्या दिखा दिया ये साले, मैं एक बार को पहाड़ पे जाके जोर से मंजुल गांड कब देगा चिल्ला सकता हूँ, वो सहन लूंगा, पर ये सहनना बस के बाहर है मेरे। वैसे इसकी शकल देख के 5-6 दिन हिलाने का मन नहीं करता मेरा। रिक्वेस्ट कर रहे मत करो। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट, और बंटी साले मुंह में लौकी डाल के बैठ, दोबारा बोला ना कुछ तवा गरम करके तुमको बैठाएंगे उस पे। अब छुरी को बनाया गया है किसी चीज को काटने के लिए, लेकिन उससे कोई कोई मर्डर भी करता है ना, तो वो तो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको यूज किस तरह कर रहे हो। तो मोबाइल का मिसयूज भी करता है बहुत कोई, और इसका सदुपयोग भी करता है। तो मैंने इसका सदुपयोग करते हुए आज मैंने ये मुकाम हासिल किया है। और दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, मेरा अभी बहुत ही ज्यादा नाम है पूरे झारखंड स्टेट में, मैं एक सबसे बड़ा सोशल मीडिया सेलिब्रिटी हूँ। मनोज देव भाई को लगता है वो झारखंड के अकलौते सबसे बड़ी सेलिब्रिटी हैं। सुबह जाके ठेके पे देसी मारा था या रात का उतरा नहीं। बहनचो मेरे को एक बात समझ नहीं आती, लोग अपनी झूठी तारीफ कैसे कर लेते हैं। यहाँ हम पे 80% आने पे किसी को बताया तक नहीं, कोई विश्वास ही नहीं करता। फिर बोला भोसड़ी के, जा साले बर्तन वर्तन धो जाके जा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मनोज है और सभी का एक नए ब्लॉग पर स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस ब्लॉग में मैं अपना एक हिडन टैलेंट आप लोगों को दिखाने वाला हूं, और वो हिडन टैलेंट है गाइस कि मुझे ऑटो भी चलाना आता है। मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? हिडन टैलेंट ऑटो चलाना है ना, ये भड़वे गिरी है ना, भड़वे गिरी क्या बोला था, बहुत हंसता है ना तू, खली का लैंड एक ही बार तेरे मुंह में जाएगा, नीचे से निकलेगा घपक कर से। जैसे घोड़ों की रेस होती है वैसे ऑटो की भी होती है क्या, जो मनोज दे भाई ऑटो चलाने को हिडन टैलेंट समझ रहे हैं। नहीं भाई, एक बार को बिना कान को टच के कान हिलाने को टैलेंट समझ लूं, पर ये बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये टैलेंट में नहीं बेरोजगारी में आता है, जो यूट्यूब पे आने से पहले मनोज दे पे आ रही थी। अभी और सुन, और ये 2002 नहीं 2020 चल रहा है, अगर तुम किसी से कहोगे भी ना मुझे एरोप्लेन चलाना आता है, वो फिर ये बोलेगा ये दूसरों को पढ़ाना, मैं 12 पास हूँ। तो मनोज दे को YouTube के बारे में इतना नॉलेज है कि खुद YouTube को नहीं होगा, इन्हें डेली अपडेट्स का पता चलता है, YouTube में हुई चेंजेस का पता चलता है, क्या करे क्या नहीं, कौन से लड्डू का भोग लगाए YouTube को सिक्योर रखने को। YouTube वालों, ये मनोज दे को तुम CEO क्यों नहीं घोषित कर देते। मनोज दे और गौरव जोन में एक बात काफी सिमिलर है, कभी लाख से नीचे की चीजें नहीं खरीदते, इनके फैंस भी लाखों रुपए के गिफ्ट देके जाते हैं। मतलब कैसे, हाउ इट पॉसिबल, मैं किसी को यूज करा कॉन्डम नहीं दे सकता, यहाँ लाखों का गिफ्ट दिए जा रहे हैं। और दूसरी सिमिलर चीज क्लिक बेट्स, वो भी खतरनाक वाले, ऐसे वैसे नहीं सीधे खतरनाक वाले। आशिकों में दिल का मुझे जीना मत सिखा, मुँह में ले लंड मुझे छोड़ना मत सिखा, टूटा मेरा दिल उसे जोड़ना मत सिखा, मुँह में ले लंड मुझे छोड़ना मत सिखा। ये बहन जो सारे मिल के हमको पागल बना रहे, मादर चोत के बच्चे इतने गांड फटी के ये बड़वे। तो कुछ दिन पहले मनोज दे को इंस्टाग्राम वालों ने 10 लाख रुपए दिए, चलो देखते हैं किस लिए दिए। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो का टाइटल आप लोगों ने देख लिया होगा कि मुझे इंस्टाग्राम से मिल रहा है 10 लाख रुपया, 1-2 लाख नहीं 10 लाख। क्या, एक मिनट भोसड़ी के, इसने अभी बोला मिल रहा है, पर ऊपर टाइटल में देखो मुझे मिला 10 लाख रुपए, भैंस की चूत, इतना क्या क्लिकबेट करना भैंचोद, और देखा भी इतने चूतियों ने, ये सोच के कि मनोज दे जैसे चूतिए दिखने वाले को 10 लाख मिल सकते हैं तो हमें क्यों नहीं। अबे बाबली गांडो क्या बे, इस आदमी पे विश्वास करोगे ना, ना तुम्हारा कुछ हो सकता है ना हमारा कुछ हो सकता है, यूट्यूब की माई चोदते रहोगे बस तुम। मादर चोद साले हट, सुधरो मादर चोदो,
बहुत ज़्यादा खुश हुआ कि यार 10 लाख रुपया मिलेगा एक साल के लिए सिर्फ बायो में लिंक डालने का और दो पोस्ट करने का, तो मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गया था। चलो भाई 10 लाख मिलेगा तो मेरा कम से कम गाड़ी का जो किस्त उस्त है वो सब साला क्लियर हो जाएगा, एक ही बार में पैसा बच भी जाएगा। इतना बवासीर सुनने को टाइम नहीं, आगे बढ़ाओ तुम, सीधा क्लाइमैक्स सुनो। तभी मैंने यहाँ पर मैंने डाउट किया कि यार ये लिंक क्यों प्रोवाइड कर रहा है। तो दोस्तों जब मुझे ये मैंने रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि दोस्तों ये एक हैकर है। फटेले कॉन्डम के नतीजे, भड़वे मस्त वीडियो बना रहे तू। ये लो, तुम्हारे इंस्पिरेशन ने तुम्हारी ही गांड मार ली, इसने मेरी एक्स से भी बुरा वाला काट दिया। क्लिकबेट करता हूँ या फिर जिसे कहते हैं कि सातिर दिमाग लगाना, तो फिर उसमें कैसा व्यू आता है, तो ये एग्जांपल देने के बाद मैं आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है। तो गाइस देखिए, सबसे पहला मेरा एक वीडियो मैंने बनाया था कि इंस्टाग्राम से मुझे मिला 10 लाख का स्पॉन्सरशिप, वो वीडियो 100 के व्यूज आ गया। वो वीडियो में गाइस मैंने थंबनेल पे लिखा कि इंस्टाग्राम से मुझे मिला 10 लाख रुपया, टाइटल में मैंने लिखा इंस्टाग्राम से मिला मुझे 10 लाख रुपया, लेकिन वीडियो पे मैंने क्या दिखाया कि वहां पर जो है इंस्टाग्राम पे बहुत सारे स्पॉन्सरशिप्स आते हैं जहां पर वो मेल जो है फेक होता है। पैंचो, होटो पे बवासीर हुए जानवर बेचारे भोली भाली जनता का काटने से क्या मिला, व्यूज और पैसे, पर साले तूने उनका कीमती इंटरनेट उड़वा दिया। वो तेरे को बदुआ देंगे, तेरे लंड में कीड़े पड़ेंगे, नरक में जगह नहीं मिलेगी पागल साला। तो अब हम बात करेंगे एक्टर मनोज दे की, जो के आर के सी भी तगड़ी एक्टिंग कर लेता है। मेरे खुद बवासीर हो गया, वो भी दिमाग में एक्टिंग देख के, और स्क्रिप्टिंग तो ऑस्कर डिजर्व करती है भाई। उस लड़की को क्यों नहीं डेट पर ले जाते हो जिससे बात करते हो? डेट पे ले जाने की बात करते हो श्याम भाई, यहाँ जहर खाने का पैसा नहीं है। हक दिया। One eternity later. भैया ट्यूशन जा रहा हूँ, और मैं ये बोल रहा था ना कि 2 महीने से जो है ट्यूशन का फी भी ड्यू है, तो पैसा मांगा था सर ने। बाबू अभी तो पैसा है नहीं, एक दो दिन में जुगाड़ करके आपको दे। ये शॉर्ट फिल्म कम सावधान इंडिया का एपिसोड ज्यादा लग रहा है, और मनोज दे हवस से भरपूर देवर, जो अभी जाके भाभी को पकड़ेगा और कहेगा, अरे एक बार देख भी लो, काप कह रही हो, कोई अभी तक छुआ नहीं खा। पानी पिलाना, पानी पिएगा। आगे भी पानी लेके लॉटरी मिलाएगा ये सब, कभी घंटा या पैसा ऐसा लगता ले। अरे यार मिला के देखने में क्या, ठीक है देख तू ऐसा लग गया यार। अरे यार सच में, हाँ बिल्कुल, क्या बोल रहा है यार, देख भैंस की चूत, मार दिया एक्टिंग को भाई, मार दिया कतई मार दिया, मर गई एक्टिंग। मनोज दे भाई गांड वांड में फुंसी है क्या तुम्हारे, जो इतने सारे चैनल खोल के बवासीर स्प्रेड कर रहा है। भैंचोद एक्टिंग तो थी ही नहीं, बस वरुण से ज्यादा ओवर एक्टिंग भरी पड़ी है। मनोज तेरे को लगा ना कि तू एक्टिंग गांड फाड़ कर सकता है, तो बेटा मैं अभी हार्पिक पी जाऊं। एक कैंसर होता है ऐसा और एक होता है ऐसा, पर जो मनोज दे को है वो लास्ट स्टेज की है। सच में तेरे को नहीं महसूस हुआ कि मैंने एक्टिंग की मार चोद दी, अब कोई ट्राई और नहीं करेगा मेरी वजह से। इतना टैलेंट है भैंचो मनोज दे में, इसके सर को फाड़ के देखना पड़ेगा कौन सा दिमाग है, लोहे का या चांदी का। लास्ट में एक ही बात कहना चाहूंगा, एक पॉन अभी बचा है, वहां भी हिलाना विलाना सिखाओ। अकेला इनकी गांड मार रहा हूँ सालों की, साले मजाक बना के रखते हो, भड़वा समझे क्या, गांड में गोली मार दूंगा। अगर तुमको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। और बंटी क्या देख रहा है? मनोज देखी पॉन।